स्वागत है आपका माई किचन किरण में। और आज हम बनाने वाले हैं मलाई कोफ्ता। तो चलिए देखते हैं इसे सिंपल तरीके से कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम 4 उबले आलू ले लेंगे और उसे अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद हम इसमें 100 ग्राम पनीर डाल देंगे। अभी हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हमने आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच मैदे के। अभी हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगा। तो चलिए अभी हम इसकी छोटी सी लोई लेते हैं और इसे गोल आकार दे देंगे। ये देखिए, अभी हम इसके ऊपर मैदे का कोट चढ़ा देंगे, जिसके कारण हम जब इसे फ्राई करें तब ये फटे ना। तो चलिए अभी हम इसी तरह से अपने बाकी के कोफ्ते भी बना लेंगे। ध्यान रखिए कि जब आप अपने कोफ्ते बना रहे हो तो उसका साइज मीडियम ही रखें, जिसके कारण आपको फ्राई करते वक्त भी आसानी हो। तो चलिए अभी हमारे कोफ्ते बन के तैयार हो चुके हैं, अभी हम इन्हें फ्राई करते हैं। मैंने यहाँ पे कम तेल में इसे फ्राई किया है। आप चाहे तो आप इन्हें कढ़ाई में भी फ्राई कर सकते हैं। फ्राई करते वक्त ध्यान रखिए कि आपके गैस का फ्लेम मीडियम ही रहना चाहिए। ये देखिए, कुछ देर बाद हमारे कोफ्ते गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो अभी हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम अपने बाकी के भी कोफ्ते बना लेंगे। ध्यान रखिए कि आपका गैस का फ्लेम हाई नहीं रहना चाहिए, जिसके कारण आपके कोफ्ते बाहर से तो पक जाएंगे पर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए आप अपने गैस का फ्लेम मीडियम ही रखिए। ये देखिए, अभी हमारी ये कोफ्ते भी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अभी हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। हमारे कोफ्ते अंदर से भी और बाहर से भी अच्छे तरीके से पक चुके हैं। तो चलिए अभी हम करी बनाने की शुरुआत करते हैं। अभी हम पैन के अंदर थोड़ा तेल ले लेंगे और उसके अंदर लहसुन और प्याज डाल देंगे और इसको हल्का सा भून लेंगे। थोड़ी देर के बाद हम इसके अंदर 2 लाल मिर्च और टमाटर डाल देंगे। टमाटर को जल्दी पकाने के लिए हम उसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अभी हम इसे लो फ्लेम में अच्छे तरीके से पका लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, थोड़ी देर के बाद हमारा ये मसाला बनके तैयार हो चुका है। अभी हम इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे और उसके बाद हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। अभी हमने अपने पैन के अंदर थोड़ा सा बटर डाल दिया है। जैसे ये मेल्ट हो जाएगा, हम इसके अंदर थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। आप अपने जीरे को बटर के अंदर अच्छे तरीके से भून लीजिएगा। जैसे ये भुन जाएगा, हम इसके अंदर आधा चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर जो हमने ब्लेंड किया हुआ करी था, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। अभी हम अपनी करी को 3-4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पका लेंगे, जिसके कारण इसके अंदर अच्छा सा कलर भी आ जाए और टेस्ट भी आ जाए। ये देखिए, गैस का फ्लेम आप मीडियम ही रखिए, ज़्यादा हाई पे मत रखिएगा। अभी हम इसे ऐसे ही पकाते रहेंगे और ये देखिए, 2-3 मिनट के बाद हमारी करी अच्छे तरीके से बन के तैयार हो चुकी है। तो चलिए अभी हम प्लेट के अंदर अपने कोफ्ते डाल लेते हैं और उसके ऊपर हम अपनी करी को डाल लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैं अपने कोफ्तों के ऊपर करी डाल रही हूँ। और इतने सिंपल तरीके से आपके मलाई कोफ्ते बन के तैयार हो जाएंगे। देखिए, हमने सिंपल तरीके से अपने मलाई कोफ्ते बना लिए हैं और इसका टेस्ट भी रेस्टोरेंट स्टाइल वाले मलाई कोफ्ते जैसा ही है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको ये रेसिपी बताई है, तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर बताइएगा इस रेसिपी के ऊपर। और आप हमारी बाकी की रेसिपीज़ भी हमारे प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारी बाकी की वीडियोज़ भी ज़रूर देखिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए। जो आपको ये 2 वीडियो शो हो रही है, उनमें से भी आप कोई भी वीडियो क्लिक कर सकते हैं और हमारी रेसिपी देख सकते हैं।